सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है प्लीज टाइप टू। ग्रेट, तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सभी की वॉइस क्लियर है। ओके ओके, सो दिस साइड मोहम्मद अजहर रंगरेज फ्रॉम चंडीगढ़। और जैसे कि आज आप इस सेशन में बैठे हैं, आज अपनी लाइफ में आप कुछ ड्रास्टिकल करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, इट मीन्स सक्सेस पाना चाहते हैं, राइट? लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी वजह से प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल रहे, और आप हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू इस सिस्टम में आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। जिसके पास आधे घंटे 45 मिनट का वक्त है और जो अपने करियर से जिसको लगाव है, वही इंसान यहाँ पर बैठे। और क्योंकि सेशन बहुत ड्रास्टिकल होने वाला है, मैं आपको चैलेंज करके ये चीज बोल सकता हूँ कि जब आप सेशन में लास्ट में उठेंगे तो आप अभी जो हैं वो नहीं रहेंगे, आपका माइंडसेट जो अभी है वो नहीं रहेगा। बिकॉज आज जो सेशन होस्ट करने वाले हैं ना, वो कोई आम इंसान नहीं है, इंडिया के यंगेस्ट मिलियनेयर समझते हैं, जिनकी इनकम 10 लाख अबव आता है, वो मिलियनेयर एंड मल्टी मिलियनेयर हैं, जिनकी सालाना इनकम 20 लाख प्लस है। और वो कोई मैन नहीं है, यंग लेडी, यंग गर्ल, आप कह सकते हैं लक्ष्मी शर्मा, नाम सुना ही होगा। लक्ष्मी शर्मा आज आपके सेशन होस्ट करेंगे, और हम सब कहने का मतलब कि हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज उनका हमें टाइम मिल रहा है। और जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सिस्टम को समझिएगा, क्योंकि आज जो चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली है, किसी स्कूल किसी कॉलेज के अंदर आपने अभी तक वो चीज़ें नहीं सुनी होंगी। और सो रेडी हैं तो क्या इनवाइट करें मैम को? तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यस सर, बहुत एक्साइटेड हैं सभी, क्या बात है जी। तो चलिए हम मैम को इनवाइट करते हैं। वेट अ सेकेंड, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो दिस साइड लक्ष्मी शर्मा, जैसे कि अभी सर ने मेरे बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी। तो आज का जो सेशन होने वाला है, नो डाउट बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इस सेशन के अंदर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटी सी एक्टिविटी लेकर चलते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं अपना नाम, अपनी एज एंड अपनी लोकेशन, अपना नाम, अपनी एज एंड अपनी लोकेशन की, ताकि हमें पता लगे कहाँ कहाँ से हमें कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। बिकॉज आज के सेशन में आई थिंक सो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स है, कुछ अदर कंट्रीज से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे बीच में, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, और नियर अबाउट राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, बहुत सारी डिफरेंट, ओडिशा से भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर आप आए हैं, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो आज का जो सेशन है टोटली फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल कंडीशंस मींस कि हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, कैसे इनको अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप सभी रेडी हैं उस चीज के लिए? हाँ जी, जो जो एक्साइटेड है प्लीज टाइप थ्री। जो जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहता है आने वाले सम फ्यू इयर्स के अंदर, तो प्लीज टाइप थ्री। ग्रेट, यहाँ पर सभी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ, तो आप बहुत केयरफुली उनको अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत डीपली उनको अंडरस्टैंड करिएगा। बिकॉज जो चीज मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, ये हमें कोई भी स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं मिलता है। बिकॉज हम सभी ने एजुकेशन ली है और हम सभी को पता है कि ये चीजें वहां पर नहीं मिलती, कि हाउ टू इंडिपेंडेंट, कि हमें फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट होना है। तो आज का सेशन हमारा टोटली इसी टॉपिक के ऊपर होगा। तो ज्यादा अगेन टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्लाइड सभी से शेयर कर रही हूँ, तो सभी रेडी रहिएगा और अपने फोन्स को थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिएगा, राइट? बिकॉज हमें डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी टाइप की। चलिए ग्रेट, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? एक
पहला क्वेश्चन जो हर इंसान से आई थिंक पूछना चाहिए लाइफ में एक ना एक बार जरूर, कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी, सीरियसली और नॉट सीरियसली, क्या आप अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हैं, जस्ट ऐसे ही भेड़ चाल का हिस्सा कि यार वो भी अगर ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे। अगेन सभी के आंसर्स जो हैं वो यस के अंदर है कि सभी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बट राइट नाउ हम देखते हैं कि आप कहाँ पर आए हैं और ये क्या चीज है। तो वेलकम है आप सभी का हमारे ड्रीम टीम 23 एंटरप्रेन्योर ग्रुप के अंदर। ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है ये सिखाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वैसे सारी चीजें सर ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, यानी कि जो सर अभी थे, हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था इन 2017 जब हम लोग आए थे। सेम आप ही की तरह से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, सपने बहुत बड़े थे बट प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो बहुत सारे यंग अचीवर थे उस टाइम पर, बहुत सारे लोग थे जो कम एज के अंदर अच्छा अर्न कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि यार हाउ, कैसे होगा ये चीजें। तो बहुत इंस्पायरिंग थी वो बहुत सारी चीजें, तो मैंने वहां से इंस्पिरेशन लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया कि अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज के टाइम पर मैं ऑनलाइन बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड करती हूँ। आज के टाइम पर मेरे ग्रुप में मोर देन 10,000 पीपल वर्क कर रहे हैं, राइट? तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। देन अगर बात करें हु आर वी एंड व्हाट डू वी डू, हम कौन है और हम करते क्या है, बेसिकली हम ऑनलाइन स्टेबल बिजनेस प्रोवाइड करते हैं यंगस्टर्स को जो अपनी स्टडी के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, हम इन चीजों को सिखाते हैं कि आप कैसे अपने इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अब देखिए एक क्राइटेरिया लेकर चलते हैं एवरेज मंथली इनकम की, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे 1940, आपको एक सन शो हो रहा होगा। अगर उस जमाने की बात करें तो लोग 10 रुपए में अपने घर को, अपने एजुकेशन को, अपने बच्चों को और अपने फ्यूचर को मैनेज कर लेते थे। बट आफ्टर 20 ईयर्स वही चीजें 100 रुपीज में मैनेज होने लगी, एंड अगेन आफ्टर 20 ईयर्स वही चीजें 1,000 में, एंड अगेन आफ्टर 20 ईयर्स वही चीजें 10,000 में मैनेज होने लगी। राइट नाउ जिस ईयर के अंदर हम हैं, यहाँ पर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए हमें मिनिमम एक एवरेज इनकम चाहिए जो 1 से 5 लाख होगी। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, चलिए अभी तो हम स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ है, यहाँ पर कुछ हमारे बीच में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या लगता है कितना टाइम लगेगा आपको आपके प्लेटफॉर्म पर 1 से 5 लाख मंथली लेने में? आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं हम देखेंगे वहां पर ऑलरेडी सेम फील्ड के अंदर कोई अपने 8 से 10 साल दे चुका है या पूरी लाइफ दे चुका है, वो कहां तक पहुंच गया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते टुडेज मार्केट सिचुएशन हम देखते हैं, यहाँ पर हम सभी एजुकेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा इंडिपेंडेंट होने के लिए, बट मैं यहाँ पर आपको बताऊं इन द कोविड के चलते ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर 73.5 लाख लोग जॉबलेस हो चुके हैं। ये सिर्फ इतनी सी रेशो नहीं है, इसके अलावा ये रेशो करोड़ में जा चुकी है आज के टाइम पर। देन अगर बात करें अगेन 93% MBA ग्रेजुएटेड जो है वो अनएम्प्लॉय है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन हमने जो ली है, वहां बाहर जॉब्स नहीं है। आप एक न्यूज कटिंग देखेंगे यहाँ पर, चपरासी की पोस्ट, पीएन की एक पोस्ट, आई थिंक मुझे नहीं लगता इसके लिए हमें कोई डिग्री एजुकेशन की जरूरत है, बट 62 पोजीशन है और 93,000 लोगों ने फॉर्म फिल किए और इसके अंदर से 3,740 कैंडिडेट्स जो हैं वो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं। आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको एक चीज शो करती हूं आगे अगेन, आप देखेंगे हमारे जो पीएम है, हमारे जो पीएम है ये जॉब को लेकर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट बनिए, जॉब के पीछे पैरों पर खड़े हो, हमारे बच्चे जॉब सीकर ना बने, हमारे बच्चे जॉब क्रिएटर बने, हम रोजी रोटी के लिए फटकने वाले लोग ना बने, हम दुनिया को रोजी रोटी देने वाले बने। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, बेसिकली हमारे कहने का मेन मकसद यही है। देन अब हम बात करते हैं हमारे ओपिनियंस क्या है, हम क्या करें और क्या ना करें इन चीजों को लेकर। देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है लाइफ में, या तो हम अपना जॉब का सेटअप कर ले या हम अपने बिजनेस का सेटअप कर ले।
बट सोचने वाली बात ये है, इन इंडिया जिस कंट्री के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पर 95% लोग जो है वो जॉब की तरफ जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमें बचपन से एक माइंडसेट दिया जाता है पढ़ लिख कर बेटा जॉब करनी है आपने, है ना। तो ये चीजें 9 to 5 के बारे में सिखाया जाता है, ओनली 5% कैंडिडेट्स होते हैं जो बिजनेस की साइड जाते हैं। अब ऐसा क्या है कि हमें बिजनेस करना चाहिए और जॉब नहीं करनी चाहिए, मैं आपको एक चीज शो करती हूँ। क्राइटेरिया है यहाँ पर, 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है एंड 5% पीपल्स के पास दुनिया का 95% पैसा है। आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, कि आपके पास 5% मनी हो पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की, या आपके पास 95% मनी हो, कि आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो कि आपको कोई भी चीज बाय करने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। आई थिंक आप 95% कैटेगरी से हटकर 5% कैटेगरी में आना पसंद करेंगे। तो मैं अपना कंसेप्ट आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली जहां से मैं बनी हूँ और जहां से आप लोग भी बन सकते हैं, इट्स अ अपॉर्चुनिटी यू फॉर ऑल। देन अगर बात करें, हमारे कंसेप्ट का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है। इसकी अगर बात करें, सिंस 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, राइट। ऑल ओवर अदर कंट्रीज की बात करें तो आज के टाइम पर ये 165 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है। 1.5 बिलियन के हमारे अलग से एसेट्स है, 2.5 बिलियन डॉलर की हमारी टर्नओवर है। आप एक चीज प्लान करें कि जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट बनने वाले हैं, इट्स अ वेलनेस इंडस्ट्री और ये आने वाले वक्त में और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला है। देन अगर बात करते हैं, व्हाट डज द फिल्पी गिव अस, फॉरएवर हमें देगी क्या, हम क्यों ज्वाइन करें इस चीज को, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का वर्ड जो शायद हमें कहीं ना कहीं नहीं पता, अगर इसकी बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, कि आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जैसे मैंने आपको एक लाइन थोड़ी देर पहले बोली थी कि आपको कोई भी चीज बाय करने से पहले प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस लेवल के फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते, फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। देन अगर बात करें टाइम फ्रीडम की, तो यहाँ पर आपका कोई भी बॉस नहीं होगा, आप ऑन बॉस बनकर काम करेंगे अपने, राइट। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज द वर्क फ्रॉम होम, आपने घर बैठकर ऑन बॉस बनकर काम को एंजॉय कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। लग्जीरियस लाइफस्टाइल मिलता है फॉरएवर, आपको इतनी हाई लेवल की इनकम प्रोवाइड करने लग जाते हैं कि आप एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करने लग जाते हैं, राइट। इनहेरिटेड सिक्योरिटी यानी कि फॉरएवर लिविंग हमें प्रोवाइड करती है, जनरेशन टू जनरेशन हमारा बिजनेस एज इट इज चलता रहता है अगर हमें इनकेस कोई हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, राइट। आगे बात करते हैं, सिक्योर फ्यूचर है, बिकॉज देखो सिक्योर फ्यूचर क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनहेरिटेंसी मिल रही है, और इनहेरिटेंसी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यहाँ पर, तो मैं आपको बताती हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज को इनहेरिटेंसी बोला जाता है, यानी कि ये बिजनेस मेरे बाद मेरी जनरेशन इजीली रन कर सकती है। इसके लिए उन्हें कोई हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिग्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट की अगेन जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, टॉप ग्लोबल ऑफिसेस की अगर हम बात करें, तो जापान, चाइना, कोलंबिया, अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारे ऑफिसेस हैं। आप जिस भी कंट्री के अंदर फॉरएवर लिविंग का ऑफिस सर्च करेंगे, आपको वहां पर हमारा ऑफिस जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। अब दो चीजें हैं, ऑफिस है या नहीं, कंफ्यूजन है यार, कैसे बिलीव करें। सिंपल चीज है, या तो गूगल फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अदरवाइज अगर आपको कोई रिलेटिव अगर आपकी किसी कंट्री में रहता है, वहां पर वो स्टेबल है, राइट, तो वहां पर आप उनसे फॉरएवर लिविंग का एड्रेस उनको सेंड करके उनको विजिट करवा सकते हैं कि यार ये ऑफिस वहां पर है या नहीं है, तो आपका डाउट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ, नो डाउट हमें अपनी कंट्री से बिजनेस को रन करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर इंडिया में हो चुके हैं इस बिजनेस को रन होते हुए। इंडिया में अगर टर्नओवर की बात करें तो 500 करोड़ प्लस की जो है वो टर्नओवर है हमारी, 19 ब्रांचेज है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि 21 सालों में 19 ब्रांचों का खोलना कोई बहुत ईजी बात नहीं है, राइट। इट मीन्स बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, फॉरएवर बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, फॉरएवर बहुत आगे है, हम थोड़ा सा स्लो है, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा आज अपनी लाइफ के अंदर। टॉप कंट्रीज की बात करें, देखिए अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जापान, हमारे सभी के माइंड में जापान आता है, जापान जैसे देश इस बिजनेस को कर रहे हैं, इंडिया से किन नंबर पर है, ये बेसिकली पोजीशंस है टॉप 10 कंट्रीज की, फर्स्ट नंबर पे जापान एंड सेकंड पे इंडिया एंड थर्ड पे फ्रांस। आप देखेंगे ऐसे ही 10 कंट्रीज के नाम है यहाँ पर, और हम सभी एक अंदाजा लगा सकते हैं ये सारी ही कंट्रियां कोई अनएजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन इनको रन नहीं कर रहे हैं, यानी कि वहां की गवर्नमेंट शायद हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा
समझदार है, तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कंट्रीज इस बिजनेस को कर रही हैं, तो वाई नॉट अस, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें करना चाहिए बिकॉज इंडियंस जो है वो ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करते हैं, बट जो फॉरनर्स है वो बहुत स्टडी करते हैं किसी भी चीज को ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन छोड़ो खाने से पहले बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं किसी चीज के ऊपर, राइट, कि खाना है नहीं खाना है, कितने साइड इफेक्ट है। तो हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अर्न्स इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एक चेयरमैन बोनस होता है जो कि एक एक्स्ट्रा इनकम होती है मंथली इनकम से अलग, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पर चेयरमैन बोनस क्या होता है, इट्स कॉल्ड दिवाली बोनस। अगर हम बात करें तो इसकी लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री के क्राइटेरियाज होते हैं। लेवल टू में आप देखेंगे 1 करोड़ 60 लाख, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, मंथली इनकम से अलग दिया गया। 95 लाख मंथली इनकम से अलग, 1 करोड़ 7 लाख मंथली इनकम से अलग, 57 लाख मंथली इनकम से अलग। बट सोचने वाली बात यह है, अगर आप इस स्लाइड्स को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, 81 पैसा साथ में दिया है, 0.7 पैसा साथ में है, 28 पैसा साथ में है और 58 पैसा साथ में। आई थिंक इतनी ह्यूज अमाउंट के साथ हमें पैसे का कोई मतलब नहीं है, आए या ना आए, बट इससे हमारे ब्रांड के एथिक्स का पता लगता है कि कितने ज्यादा फॉलो करते हो और आपकी मेहनत का एक एक पैसा आपके अकाउंट में पहुंचाती है। आगे बात करते हैं लेवल थ्री का जो क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अर्न करेंगे। यहाँ पर मिस्टर सूर्य सिन्हा, अगर इनकी बात करें, बहुत अमेजिंग लीडर है, 3 करोड़ 84 लाख रुपीज। आप सोचकर देखिए, अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा हटकर, अगर हम जॉब के अंदर जाएं तो आई थिंक हमारी पूरी जिंदगी की कमाई नहीं होगी इतनी जितना इनको सिंगल पे आउट दिया गया यहाँ पर। और मैंने आपको बोला इट्स कॉल्ड दिवाली बोनस, दिवाली एंजॉय करने के लिए आपके अकाउंट में ये पैसा आ रहा है, कितनी अमेजिंग चीज है। देन आगे बात करते, वी हैव टू शेयर 2 प्रोजेक्ट्स ऑन सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के ऊपर वैसे बहुत सारी चीजें शेयर करते आ रहे हैं, कोई लोकेशन अच्छी लगी उसको टैग कर दिया, इसको टैग कर दिया, बट इसके अलावा जहां से अर्निंग आएगी तो 2 चीजें हम सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ। बिकॉज हर इंसान को अच्छी हेल्थ चाहिए और हर इंसान को एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, तो हम दोनों ही चीजों को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। देन अगर बात करें, हमारे टॉप क्वालिटी के न्यूट्रिशन है, बिकॉज हर बिजनेस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। देन अगर बात करें, हमारे कुछ न्यूट्रिशन है जो कि टॉप लेवल के हैं, हाईली सर्टिफाइड हैं, राइट। अगर आगे बात करें, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, ओलंपिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। Now check how we can earn, हम देखते हैं हम कमा कैसे सकते हैं यहाँ पर। The business is total depend on CC, हमारा जो business है वो total CCs के ऊपर depend है। अब CC होता क्या है, basically इसको common currency और case credit बोला जाता है, because मैंने आपको clear किया business 165 plus countries में है, तो हर country की currency अलग है, डॉलर, यूरो, पाउंड, रुपीस। तो कोई भी confusion हमारे mind के अंदर ना आए, तो business को easy form में create कर दिया गया कॉमन करेंसी और इन केस क्रेडिट। अब ये पॉइंट्स हैं, बेसिकली सीसी मींस पॉइंट्स, ये हमारे न्यूट्रिशन को दिए गए हैं, राइट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ब्राइट आपको दिख रहा है 0.34 सीसी पॉइंट्स, एंड अगेन आरजी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो 387 पॉइंट्स। जैसे ही हमारी अगर बात करें, जैसे ही हमारी आईडी के अंदर 2 सीसी पॉइंट्स कलेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ पर एक एफबीओ बन जाते हैं। बट ये कैसे कलेक्ट होगा, 1000 points is equal to 17,000 turnover and 2000 points is equal to 34,000 turnover, right? अगर आगे बात करते हैं, same ऐसे different different kinds के products हैं हमारे पास। Then अगर बात करें, आपको मिलेगा क्या, you will get 25% referral income। जैसे ही अपना AS level done कर लेते हैं, यहाँ पर हमें 25% referral income आने लग जाती है, और same हम अपना ही एक organization create कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जिससे भी शेयर करेंगे और वो अपने लेवल्स को आगे डन करते हैं, तो आपको नियर अबाउट, फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करो और आपने 8 से 10 पार्टनर्स को इस बिजनेस को शेयर किया, तो यानी कि 10 AS, है ना, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 AS आपने क्रिएट करे, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर 60,000 प्लस या 82,000 प्लस अर्न कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, देयर इज अ टू मोड टू स्टार्ट। यहाँ पर 2 तरीके हैं इस बिजनेस को शुरू करने के, फर्स्ट इज यूजर मोड एंड सेकंड इज बिजनेस मोड। यूजर मोड की बात करते हैं, यू हैव टू गेट अ नोवस कस्टमर, आपको नोवस कस्टमर बनना पड़ेगा। आप नोवस कस्टमर बनते हैं, सबसे पहले आपको 12 डिजिट की आईडी मिलती है,
यू गेट अ 12-digit आईडी राइट, डिस्काउंट हमें यहाँ पर 5% मिलता है और अच्छी हेल्थ लेने का मौका मिलता है। बिजनेस मोड क्या है हमारा कि अपना 2 CC का बिजनेस डन करते हैं, अपने लेवल के ऊपर आते हैं जो कि हमारा बेसिकली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है। सेम आप यहाँ पर भी 12-digit की आईडी को अर्न करते हैं यानी कि आपको मिलती है। देन अगर बात की जाए आपको डिस्काउंट जो 5% मिल रहा था वो अप्रॉक्स 30% हो जाता है और आपको गुड हेल्थ के साथ साथ आप अपनी खुद की अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। आगे बात करते हैं बिजनेस प्लान बेसिकली है क्या। आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं थ्रू पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 12-digit की आईडी आपको क्रिएट हो जाती है, आपकी जनरेट हो जाती है राइट। देन अगर बात करें जैसे ही हम AS लेवल को डन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। 25 CC हम सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, 75 पर हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं एंड 120 CC पर हम फॉरएवर लिविंग का ड्रीम लेवल अचीव करते हैं जो कि है मैनेजर लेवल। AS टू मैनेजर डिस्काउंट सब पर सेम रहेगा, अप टू 30% इनकम आप अपने अकॉर्डिंग अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए आप 80,000 प्लस भी अर्न कर सकते हैं और आप 1 lakh प्लस भी अर्न कर सकते हैं, बट डिपेंड्स इज ऑन योर एफर्ट्स। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे आप उस तरीके से अपने टाइम को यूज करके इस बिजनेस में ग्रो हो सकते हैं। देन ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें, आप अपने घर बैठे इंटरनेशनल इनकम को अर्न कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे हैं आप यूरोप से पैसा कमा रहे हैं, आप सऊदी से पैसा कमा रहे हैं, आप जापान से पैसा कमा रहे हैं, आप कनाडा से पैसा कमा रहे हैं। इट्स अ ग्लोबल लीडरशिप इनकम बेसिकली राइट। आपको बोनस स्ट्रक्चर हमारे मार्केटिंग प्लान में 15 दिखेगा, यानी कि 15 को आपके अकाउंट में आपने जितना पिछले महीने काम किया होगा 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको इनकम ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर 12-digit की आईडी मिलती है बेसिकली, जो यहाँ पर अभी थोड़ा शो नहीं हो रहा है, बट आपको आपकी जब जनरेट हो जाएगी आपको पता लग जाएगा। ये मोहम्मद अजहर का पे आउट है राइट, जिन सर ने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए थे सेशन, आप देख सकते हैं फैब 2017 यहाँ पर इनकम कितनी है 10,241.9 पैसा फॉर द मंथ ऑफ फैब 2017। बट अगर बात करें जून 2021 के अंदर वही इनकम 2,43,000 हो गई थी। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप देखेंगे आपको जॉब में नहीं मिलेगा ये देखने के लिए। आप एक चीज देखेंगे, इतनी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल हमें कभी भी किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के अंदर देखने को नहीं मिलते। 12,000 टैक्स डिडक्ट करवाया है, आई थिंक इतना हम आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग कंसेप्ट, जहां पर हम सभी को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना चाहिए। आगे बात करते हैं, इट्स अ स्टेटमेंट, HDFC का स्टेटमेंट है, जहां पर आप देखेंगे जितना उनका टैक्स कटा था उसके बाद जो इनकम उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुई थी वो 2,31,000 था। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली मैंने अपना नाम बताया था आप सभी को, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और इस तरीके से हमें 12-digit की आईडी मिलती है, जो वहां पर हमें विजिबल नहीं थी वो यहाँ पर हमें विजिबल है। यहाँ पर अगर बात करें दिसंबर 2018 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,03,530.12 पैसा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। यहाँ पर 5,000 टैक्स डिडक्ट हुआ था, बट सेम अगर मैं अगस्त 2020 की बात करूं तो यही इनकम 4,63,000 हो गई थी। अगेन इट्स अ ह्यूज डिफरेंट। एंड बीइंग अ गर्ल, मैं अपनी खुद की बात करूं तो शायद मैं किसी अदर कंसेप्ट पर होती, मैं इतनी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल को एंजॉय नहीं कर पाती। 17,000 TDS कट करवाया हमने यहाँ पर, और टैक्स कटने के बाद जो मेरे अकाउंट में इनकम रिफ्लेक्ट हुई थी, अगेन HDFC की स्टेटमेंट है मेरे पास भी, देन 4,46,000। आगे बात करते हैं जून 2021, अभी आपने देखा था 4 lakh थी, अभी आप देखेंगे 5,67,000 हो चुके, 28,000 TDS डिडक्ट हुआ है, जो कि अगर बात करें एक वो अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद मिलता है राइट। तो 5,39,593.91 पैसा अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ था, अगेन सेम स्टेटमेंट है हमारे पास। देन अगर बात करें हम दोनों ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस है जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ को आप शेयर कर सकते हैं, अपने ब्रदर के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने नेबर हुड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही अर्न कर रहे हैं, तो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो मंथली इनकम है दोनों का मिलाकर वो 8 to 10 lakh के इन बिटवीन रहती है। आगे बात करते हैं, हम ग्लोबल इनकम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। मुझे 2 to 3 कंट्रीज से इनकम आती है, जो कि अगर बात करें बांग्लादेश है, इंडिया है, तुर्की है, दुबई है, इन कंट्रीज से मैं कॉन्टिन्यूसली इनकम इंजॉय कर लूँ। देन अगर बात की जाए खुद का GST मेरा यहाँ पर बन चुका है। आप देखेंगे GST बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बट बहुत बड़ी बात हो जाती है तब जब आप देखेंगे 138 करोड़ पीपल्स के अंदर 1.23 करोड़ लोगों का जीएसटी बना हुआ है और जिसमें से ओनली 80 लाख पीपल्स जो है वो टैक्स पे करते हैं। आई एम द वन ऑफ कि मैं उन 80 लाख लोगों के अंदर आती हूँ जो गवर्नमेंट को अपनी इनकम से टैक्स एवरी मंथली जो है वो पे कर रहे हैं। आगे बात करते, मेरी इनकम टैक्स फाइल है इसकी अगर बात करें तो मेरी फर्स्ट आईटीआर है जो मैंने फिल करी थी यहाँ पर। देन अगर बात करें कार प्लान की, तो यहाँ पर आपको कार लेने के लिए फॉरएवर अलग से पैसा देती है जो कि 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में हमें 26,000 मिलते हैं, लेवल 2 में 39,000 एंड लेवल 3 में 52,000। ये सिंगल मंथ के लिए नहीं दिए जाते, ये 36 मंथ्स के लिए दिए जाते हैं, यानी कि आप एक अच्छी गाड़ी बाय कर सकते हैं अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। देन अगर बात करें यहाँ पर बहुत सारी कार्स हमारे ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, तो मेरा लेवल 2 यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि 39,000 रुपीज फॉरएवर मुझे अलग से दे रही है, बट इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे। देन अगर बात करें लग्जरी कार्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर मंजीत सर हैं जो कि एक जॉब करते थे आर्किटेक्ट की। देन अगर बात की जाए, रिसेंटली स्वीडन का टूर लिया है सर ने फॉरएवर के थ्रू और एक मर्सिडीज गाड़ी को इंजॉय कर रहे हैं। ये दो सीनियर्स हैं हमारे, मिस्टर अजय सर एंड मिस्टर मंजीत सर। मिस्टर अजय सर की बात करें तो ये ऑलरेडी एक स्टूडेंट थे, राइट, स्टूडेंट के साथ स्टडी के साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। राइट नाउ अपनी एक BMW 5 सीरीज गाड़ी को इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग। यहाँ पर आप देखेंगे आगे बढ़ते हैं, फॉरएवर हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज देखिए मैंने अभी अजय सर की गाड़ी दिखाई थी जहां पर सर बिल्कुल साथ में खड़े थे, बट इन्होंने स्टार्ट इस गाड़ी से नहीं किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था बाइक्स के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, बसेस के थ्रू, बिकॉज आज के टाइम पर हम थोड़ा और ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। बट ये 2016 में सर ने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो उस टाइम ये ऑफलाइन वर्क किया करते थे। वी आर लकी कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, बट इनके टाइम पर वो फैसिलिटीज जो है वो नहीं थी। अपने ब्रदर को एक ब्लारो जैसी गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं ऑन बर्थडे, हमें सोचना पड़ता है जॉब में हम क्या लें, सैलरी से कितना निकालें। 1,000 रुपए का गिफ्ट भी आई थिंक बहुत बड़ा लगता है, बट यहाँ पर बिजनेस में आकर आपके पास जितनी इनकम होगी आप उस लेवल का किसी को भी कोई प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ना हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं अभी, तो ग्रोथ के लिए ही कर रहे हैं, तो कुछ छोटे काम भी करते हैं, कुछ बड़े काम भी करते हैं। तो बेसिकली ये मिस्टर मोहम्मद अजहर का प्रोफाइल है, तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में जो शायद हम कभी भी करना पसंद नहीं करेंगे, या कभी मजबूरी पड़ी तो शायद कर भी लेंगे। बट आप सोच कर देखिए कि इनकी 2016 और 2018 की पोस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि 2016 में ये एज अ शेफ खड़े हुए हैं और किसी और की गाड़ी के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं, 2018 के अंदर ये खुद की एक ब्लैक वर्ना के साथ खड़े हैं और उसके साथ एक फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये जस्ट एक फोटो की बात नहीं, अचीवमेंट की बात है कि आप कहाँ से उठकर कहाँ जाते हैं। इट्स ओनली डिपेंड इन योर हैंड, ये हमेशा आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है ये पेंडेमिक अभी हम चंडीगढ़ से बिलोंग करते, तो हमारे नियर मोहाली की ब्रांच पड़ती है और उसकी तो इस तरीके से हमें फैन फॉलोइंग मिलती है यहाँ पर। देन अगर बात करें लेटेस्ट कार अचीवर है हमारे ग्रुप के अंदर मिस्टर मनीष जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मिस्टर विकी अगेन हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मिस भावना। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर मिस भावना की बात करें तो ये एज अ टीचिंग कोर्स कर रही थी, बट इनको इतनी क्लैरिटी हो गई थी कि वहां पर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आफ्टर NTT कोर्स करने के बाद भी इनको नियर अबाउट 5,000 की जॉब के लिए ऑफर आया था। देन अगर मिस्टर मनीष की बात करें तो आर्मी के लिए ट्राई कर रहे थे, नो डाउट सिलेक्शन भी हो गया था, बट कहते ना क्लैरिटी कभी भी मिल सकती है आपको, लेकिन जब इन्हें क्लैरिटी मिली बिजनेस की तो इन्होंने अपना आर्मी का सेशन छोड़कर फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा। एंड मिस्टर की बात करें तो अगेन ये एक रेसलर हुआ करते थे, इनको बहुत ज्यादा शौक था रेसलिंग का, तो वहां से निकल कर इन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा
चेंज किया, अलग ट्रैक पर लेकर आए। देखिए चेंज इज द नेचर, ये नेचर में है, बदलना जरूरी नहीं है। आप बचपन से जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आपको, उसी फील्ड में जाएं। आपको देखना चाहिए कि आपको वहां पर उतनी सक्सेस मिलेगी जितना आप लायक हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं। अगर नहीं है तो यार चेंज योर फील्ड, अदरवाइज हम सभी को पता है कि हमारे साथ क्या होगा। देन बात करते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस की। स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है? रजिस्टर योर आईडी। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्ट्रेशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज 18 होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बना होना चाहिए, और आप अपनी आईडी को 200 पॉइंट्स के साथ एक्टिवेट करवा सकते हैं, यानी कि 200 पॉइंट्स के साथ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको हमारे पर्सनल मेंटोरशिप मिलने स्टार्ट हो जाएगी, राइट, बाय मिलियनेयर्स, राइट, जो कि लिमिटेड पार्टनर्स के लिए होता है, जो सिलेक्टिव पार्टनर्स होते हैं बेसिकली। आफ्टर 5 डेज आपका एक टेस्ट होगा, बेसिकली उन्हीं ट्रेनिंग सेशंस में से कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे आपसे, और आपका माइंडसेट, आपका आईक्यू देखा जाएगा कि आपने कितना गेन किया है। और जैसे ही आप ना 2 CC का बिजनेस क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आप इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से एज अ ऑनरली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि माई फॉरएवर इंडिया ऐप है, आपको आपके प्ले स्टोर और आपके गूगल स्टोर से आपको ये चीजें मिल जाएंगी, राइट। आपको हमारे बिगनर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि हमारा बिगनर ग्रुप है 23 का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो ऑनलाइन सेशंस होता है, बेसिकली उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, राइट, हम लिमिटेड लोगों को ही गाइड करते हैं। आप सोचकर देखिए, हमारा 10,000 का ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, 1,000 लोगों को लीडरशिप यहाँ पर, पर्सनल लीडरशिप मिल रही है, बेसिकली उनको अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से गाइड किया जाता है। तो आप किस ग्रुप में सेट होते हैं ये आपकी आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है कि आप कितना गेन करते हैं इस चीज को, राइट। अब आप हमारे ड्रीम टीम 23 को क्यों चूज करें एज अ फ्यूचर, एज अ लीडरशिप के लिए, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, हमारा प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बेस्ट मेंटोरशिप मिलेगी आपको बाय हमारे कोर लीडर, जितने भी हमारे लीडर्स होंगे, राइट, आपको फ्री बिजनेस डेटा प्रोवाइड किया जाएगा आपकी ग्रोथ के लिए, और बेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहेगा, यानी कि 24 आवर्स आपकी आपकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर हम अवेलेबल रहेंगे। When the why is clear, the how is easy. I think सुनने और देखने में बहुत छोटे शब्द लगते हैं, बट मीनिंग बहुत ज्यादा डीप है। कहते हैं जब आपको ये पता लग जाता है कि आपने क्यों करना है किसी काम को, तो आप इस चीज की टेंशन कभी नहीं लेंगे, ये काम होगा कैसे। तो अपनी why क्लियर करें, अपने ड्रीम सेट करें प्रॉपर तरीके से, राइट, और अपना एक डिसीजन बनाएं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो और बेसिकली किस चीज के लिए आप बने, राइट। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। होप सो कि जैसे मैंने अपनी लाइफ को इस सिस्टम के साथ चेंज किया, आप सभी अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ इस लाइफ को चेंज करेंगे। बिकॉज मैं आपको इन द एंड एक चीज बोलना चाहूंगी, कभी भी जिंदगी एक मिनट में नहीं चेंज होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, कोई ऐसा कंसेप्ट मिल जाए, तो सीरियसली या तो कोई आपको पागल बना रहा होगा बाहर, या आप अपने ही ख्याली प्लाउज के अंदर हैं, तो उससे थोड़ा बाहर आइए, राइट। सक्सेस नीड्स एफर्ट्स, सक्सेस नीड सेक्रीफाइसेस, थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप बड़ा हासिल करना चाहते हो तो आपको उतना ही पेशेंस और उतना ही हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप्स हो कि आप में से ज्यादा लोग सिलेक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बने और अपनी लाइफ को ड्रेस्टिकली चेंज होते हुए आप देखें। अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।